जी नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत बहुपद और बहुपद में आज हम गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय के अंदर 2.4 प्रस्ताव भी है, गुणनखंड अपन इसमें आज हल करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला सवाल है 12x² - 7x + 1। सबसे पहला अपने को क्या करना, प्रथम पद और अंतिम पद का अपने को गुणा करना। विघात है, 12 को अपन क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, तो 12 एकम 12। और यहाँ जोड़ने का चिन्ह है, तो जोड़ने पर हमारे को कितने करने हैं, 7 करने। हमारे को 2 टुकड़े ऐसे करने, इस 7 के 2 टुकड़े ऐसे होंगे कि गुणा करेंगे जब तो 12 हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 टुकड़े करना किसके, 7 की, गुणा करेंगे 12 और जोड़ने पर 7 हो जाएगा। तो 12x² ये तो इसे कैसे माइनस, अभी तो 4 की है 12 और 4 और 3 भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो टुकड़े क्या हो गए हमारे, माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस 1 ऐसे कैसे। दूसरी बात क्या, जोड़ने पर हमारे को ये भी ध्यान रखना है चिन्ह का, दोनों चिन्ह एक जैसी होगी जब भी जा करके वो जुड़े। ये माइनस के साथ है तो जोड़ने पर -4 और -3 को जोड़ने पर वापस -7 हो जाएगा। तो टुकड़े करते समय हमारे को चिन्हों का भी ध्यान रखना है, जोड़ेंगे जोड़ का निशान है तो दोनों चिन्ह एक जैसे है, या जोड़ का निशान है या माइनस है तो दोनों माइनस की, या जोड़ का निशान है या प्लस है तो दोनों चिन्ह प्लस के रहे, ये हमारे को ध्यान रखना है। अब ये दो अलग हो गए और ये दो अलग हो गए, इन दोनों में से अपने को कॉमन निकालना, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, 4 और x निकल गया। 4x का भाग इसके अंदर देंगे अपन 12x² - 4x, तो 4 की है 12x, दो में से एक निकल गया, एक बच गया, माइनस 4x से 4x बार है एक बार, वापस इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, माइनस का 1 निकल गया। जहां कोई कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा ध्यान रखना है कि वहां कॉमन 1 होता है। अब 1 का भाग हम -3x + 1 में देंगे, तो माइनस से भाग लगा रहे हैं, तो यहां वापस क्या जाएगा, 1 का भाग लगा रहे हैं तो माइनस का माइनस में भाग प्लस ये 3x, माइनस का भाग प्लस में -1 एकम 1, माइनस 1 का भाग -3x और प्लस 1 के अंदर लगा है तो क्या आ गया हमारे पास में 3x - 1। अब यहां ध्यान रखना अपने को तो दोनों कोष्टक सेम रहेंगे, तो दोनों कोष्टक सेम है इसको तो लिखेंगे एक बार 3x - 1 और इसके अलावा जो बाहर की तरफ है 4x - 1, ये अपन दूसरे कोष्टक में लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो दूसरा सवाल है, जैसे गुणा करने पर तो चाहिए कितने, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा, तो गुणा करने पर तो चाहिए 3 × 6 और यहाँ वापस जोड़ का चिन्ह आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितने आ जाने चाहिए, 7 आ जाने चाहिए। हमारे को क्या करना, 2 टुकड़े ऐसे करने हैं तो उनको गुणा करें तो 6 भी हो जाएंगे, उनको जोड़े तो 7 भी हो जाएंगे, 6 एकम 6, 6 और 1 7 भी हो गया। तो 2 टुकड़े क्या हो गए हमारे पास में, 2x² + 6x + 1x + t। ठीक है, 7 के 2 टुकड़े 6 और 1 हो गया, 6 एकम 6 भी हो रहा, 6 और 1 को जोड़ रहे तो 7 भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ जोड़ का निशान है, यहाँ भी जोड़ का निशान है, मैंने अभी क्या बताया, अगर यहाँ जोड़ का निशान है तो चिन्हों का ध्यान रखना, एक जैसे चिन्ह होते हैं तभी जोड़ती है, यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी। अभी हमने यहाँ देखा था यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस था तो दोनों टुकड़े देखो अपने माइनस माइनस के आ गए। ठीक है, अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन निकालना है, तो यहाँ कॉमन क्या निकल गया, 2x निकल गया, 2x का भाग दोनों में जाता है। ठीक है, 2x² में से 2x का भाग लगा रहे हैं अपन, 2 से 2 बार है, 2 में से 1 बार है, तो यहाँ क्या बचा, 1x बच गया, प्लस 2x का भाग 6x में लगेंगे तो 2 × 6। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, 1 निकल गया, तो वापस क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, 1 और 3 में कॉमन 1, 1 का भाग दोनों में जाता है, 1 का भाग दोनों में लगा है, क्या बचा हमारे पास, x + 3। अब दोनों कोष्टक सेम है तो इसको तो लिखेंगे एक बार, लेकिन इसके अलावा क्या बच रहा है, 2x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, यहाँ भी हमारे को 6x² + 5x - 6 आ रहा है, पहली शर्त के अनुसार पहला पद और
का गुणा, गुणा करने पर कितने हो गए 36, 6 को 6 से गुणा किया। अब यहाँ घटाने का चिन्ह आ रहा है, तो घटाने पर हमारे को कितने लाने हैं 5 लाने हैं। दो टुकड़े से देखने की उनको गुणा करेंगे तो 36 हो जाएंगे और घटाएंगे दोनों में से तो 5 ही बच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 6x2 ये तो ऐसे के ऐसे, उसके बाद देखो अलग अलग चिन्ह है, माइनस आएगा तो अलग अलग चिन्ह आएंगे टुकड़े में। तो अब देखो छतरेंगे 36 और घटाने पर हमारे को कितने चाहिए 5 चाहिए, तो 9 में से 4 घटाओ कितने बचे 5, और 9 को 4 से गुणा करो तो 9 चौके 36 भी हो गए और 9 में से 4 घटाए तो 5 भी बच गए। तो अब यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो घटाने में क्या आएगी, जब घटाने का चिन्ह आएगा तो दोनों चिन्ह अलग अलग होगी। तो यहाँ क्या करेंगे अपन 9x इसमें से माइनस करेंगे कितने 4x, 9 में से 4 घटो 5 बच गया, प्लस की बड़ी है प्लस में से माइनस को घटा रहे, प्लस की बड़ी करेंगे जब ही जाकर के प्लस के बचेंगे, उसके बाद ये माइनस के 6 ऐसे के ऐसे, यानी प्रथम पद और अंतिम पद तो ऐसे लिखे हैं, केवल बीच वाली के टुकड़े हो गए हमारे पास। अब ये दो अलग कर दो, ये दो अलग कर दो, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया 3x निकल गया। 3 का भाग लगाएंगे अपन इधर तो 3 × 6 2 में से 1 निकल गया यहाँ पर तो 1 बच गया, फिर उसके बाद वापस प्लस 3x से 9 तो 3 किया 9, x से x बाहर ही है, वापस इन दोनों में कॉमन माइनस का 2 निकल गया, तो वापस क्या बचा है यहाँ पर 2x प्लस 3, यानी जो कोष्टक यहाँ है वो कोष्टक हमारा इस जगह पर आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों कोष्टक सेम है, इसको तो लिखेंगे हम एक बार, और इसके अलावा क्या बचा 3x माइनस 2 इसको लिखेंगे एक बार, यानी 3x माइनस 2 का 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 डबल कोष्टक उसका लिखेंगे 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से वापस चौथा सवाल है, जैसे गुणा करने पर तो कितने हो गए 3 को 4 से गुणा करते तो 3 × 12। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा और घटाने पर, घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब टुकड़े ऐसे देखा है घटाने का चिन्ह आ रहा है, तो घटाने पर 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 12 बचेगा, 4 की है 12, 4 में से 3 घटाओ क्या बचा 1 बच गया, तो वापस 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, प्रथम पद और अंतिम पद तो ऐसे लिखा। अब यहाँ घटाने में देखो आप माइनस का चिन्ह था तो अलग अलग चिन्ह आ रहा है, अलग अलग चिन्ह होने पर ही बाकी निकलती है, माइनस की बड़ी करेंगे तभी जाकर के माइनस का बचेगा, तो अब इन दो में से और इन दो में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया केवल x निकल गया। ठीक है, अब 3x² में x का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4x में लगाएंगे अपन तो x से x बाहर तो यहाँ क्या बचा 4 बच जाएगा, वापस इन दोनों में कॉमन प्लस का 1, यहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहां हमेशा ध्यान रखना 1 कॉमन, फिर उसके बाद में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, यानी जो कोष्टक यहाँ वो कोष्टक इधर, तो 3x माइनस 4 और बाकी x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप हम गुणनखंड हल करना सीखे हैं, ऐसा कैसे आपको एक x की कोटी के अंदर y² माइनस 5y प्लस 6 इसका एक गुणनखंड हल करके और इसको हल करना। ठीक है, और देखिए अगर बाई चांस समझ में नहीं आ गए तो वापस पूछना भी है। ठीक है।